हॉस्टल फैसिलिटीज एंड फी BHO का। आप BHO में पढ़ने जा रहे हो, अब BHO में जब पढ़ने जा रहे हो तो क्या BHO आपको रहने का स्थान देगा? और आपको हॉस्टल मिल भी जाता है BHO में, तो उन हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज है, उसकी फी क्या है, और ये BHO में टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज के लिए हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, और गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं, बॉयज हॉस्टल कितने हैं, और ये जो विदेशी बच्चे हमारे यहाँ आने वाले पढ़ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए हॉस्टल है कि नहीं, तो ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नए ब्रोशर के ऊपर है, यानी बेस्ड है, 2024 का जो न्यू नोटिफिकेशन था BHO PG के लिए, उसी के ऊपर है, बेस्ड है। तो कहने का मतलब ये वीडियो आपको देखना ही देखना है, किसी कीमत पर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है वो हेल्प ले सकते हैं हॉस्टल वाला का, डिस्क्रिप्शन चेक करो इस वीडियो का। ऑलमोस्ट हम लोगों ने आपके हेल्प के लिए हर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, हॉस्टल वाला, टी शर्ट वाला, काउंसलिंग वाला, लाइक डेट। आप जाओ हॉस्टल वाला ज्वाइन करोगे, पूरी टीम होगी, क्या करेगा BHO के आजू बाजू में जितने हॉस्टल्स है ना, आपको बताएगा कि आप यहाँ पर जाकर हॉस्टल ले सकते हो। आप इस तरीके का टी शर्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो वो आपको टी शर्ट प्रिंटिंग में हेल्प कर देंगे। काउंसलिंग वाला यानी घर बैठे आप काउंसलिंग करा सकते हो, उसकी भी पूरी डिटेलिंग पड़ी हुई है। तो आपकी सुविधा के लिए ये सब चीजें आई है, एक्सपर्ट टीम है जो आपकी हेल्प करेगा। 25 तारीख तक हम लोग एक आपको और गुड न्यूज देंगे, उनको जिनका कहीं नहीं एडमिशन हो रहा है, 25 मई तक, जो कि पाठशाला की तरफ से होगा। तो आप लोग उस सरप्राइज का इंतजार करें, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर, जल्दी जाओ लिंक ज्वाइन कर लो, पहले लिंक ज्वाइन करके आओ तभी वीडियो स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जल्दी से लिंक ओपन करो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि BHO में टोटल बॉयज हॉस्टल्स कितने हैं। ये पूरे देखो बॉयज हॉस्टल्स की लिस्ट है, क्या है बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बॉयज हॉस्टल है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हॉस्टल है, बाल गंगाधर तिलक, ये एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है और इसकी फीस रखी गई है 4,875 रुपए। यहाँ पे एक एस राधा कृष्णन हॉस्टल है, और मैं जनरली इसी हॉस्टल में खाने जाता हूँ, कभी कभी भोजन करने इसी हॉस्टल में जाता हूँ, ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर के लिए है और 4,875 रुपए यहाँ भी लगेगा। बिरला ए में रहा हूं मैं, बिरला बी नहीं, बिरला सी में भी थोड़े दिन रहने का सौभाग्य मिला हुआ है, ये आर्ट्स के लिए है, यानी जो भी एमए बच्चे होंगे ना वो इन सब में जाने वाले हैं, ठीक है, जो एमए आर्ट्स फैकल्टी में आता है, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब जो होता है, ठीक है, और जो फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं उनके लिए, तो ये इन हॉस्टल्स में जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, पीजी के लिए जो हॉस्टल है ना वो इसमें कौन सा है, सी है, ये वाला हॉस्टल जो है ये आपके लिए है 4,875 रुपए, ठीक है। उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री, जिसको LBS बोलते हैं, ठीक है, LBS, इसमें एमए के बच्चों को शायद किसी साल भेजा जाता है, किसी साल नहीं भेजा जाता है, ठीक है, और इसकी फीस रखी गई 4,875 रुपए। फीस सबके लिए यहां तक लगभग सेम है, ठीक है, उसके बाद बस एक में चेंज है, और ये है आपका ट्रामा सेंटर वाला, IMS के बच्चों को मिलता है, तो ये तो इसकी फी कर दो, क्योंकि IMS बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। कॉमर्स और एजुकेशन वालों के लिए हॉस्टल है, ठीक है, गुडरू हॉस्टल बोलते हैं, जो कि कॉमर्स के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद आपका ये है एजुकेशन कमाच्छा में, PRP कमाच्छा के पास, यानी जो BEd करेंगे ना उनके लिए ही है, ध्यान देना, PRP हॉस्टल, ठीक है। और धनवंतरी हॉस्टल या IMS, यहां से लेके IMS वालों के लिए, यानी जो IMS में एडमिशन लेंगे ना, BPT कोर्सेज हो गए, नर्सिंग हो गए, इन लोग के लिए। BR अंबेडकर हॉस्टल लॉ वालों के लिए है, ध्यान देना, ये मेरे स्टूडियो से बाजू में ही है, बगल में ही है, 1.5 किलोमीटर पे। भगवान दास हॉस्टल, ठीक है, ये लॉ वालों के लिए है, और ये 4,875 रुपए में ये भी है, ठीक है। ये इतने बॉयज हॉस्टल है, लेकिन ध्यान देना ये हॉस्टल्स में सबको नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, लगभग हर MA, आप MA MSc वाले हो तो आपके जो पूरे बैच होंगे ना उसमें से कितने लोग को, 30 सीट है, 30 सीट है तो 7 से 8 लोग को, किसी में 60 सीट है तो लगभग मान लो 25 लोग को, 100 सीट है मतलब 94 सीटें, लगभग 94 सीट कहीं में होगा, तो उसमें कितना मिलेगा, लगभग वही 22, 23, 25, 26 लोग को, इस तरीके से मिलता है। अगर वही लड़कियां हैं तो जैसे कि अगर 30 लड़कियां हैं तो उसमें से 10 को, 100 लड़कियां हैं तो 26 को, इस तरीके से गर्ल्स को मिलेगा। चाणक्य हॉस्टल, ये भी लॉ वालों के लिए है, 5,375 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट हॉस्टल है मैनेजमेंट वालों के लिए, इसकी फीस भी 4,875 रुपए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मल्टी फैकल्टी के लिए है, यानी ये मिक्स PhD वालों को जनरली दिया जाता है, ठीक है, इसमें 4,875 रुपए, ठीक है। रेवा कोठी एक है परफॉर्मिंग आर्ट, ये पता है ये 80 पे है, ध्यान देना, यही एक ऐसा हॉस्टल है जो कि BHO से बाहर है, 80 पे जब आप लोग फोटो बनाते हो ना तो कई बार ये आता भी है, रेवा कोठी, ये 4,875 रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद है अरावली बॉयज हॉस्टल RGSC, ये देखो पूरे RGSC बच्चों के लिए, ये फुल एकोमोडेशन है, ठीक है, ये पूरे बच्चों को मिलता है, यानी RGSC में एडमिशन लोगे तो पूरा बच्चों को मिलेगा। कौन कौन सा है, हिमागिरी बॉयज हॉस्टल, न्यू बॉयज हॉस्टल 1, शिवालिक बॉयज हॉस्टल, विंध्याचल बॉयज हॉस्टल, ठीक है,
ये पूरा है। इनकी फीस देखो कितनी है, वही 4 से 5 हज़ार, यानी 5 से 6 हज़ार रुपए। भाभा हॉस्टल है साइंस वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, साइंस साइंस साइंस, यहां तक साइंस वालों के लिए है। कौन कौन सा? ब्रोचा, ठीक है, सीआरपी अय्यर, डालमिया, रामाकृष्णन, एएनडी, ठीक है, एएनडी सोशल, यहां से सोशल का शुरू हो जाता है, यहां तक पूरा है। और इनकी फीस कितनी है? वही 5 हज़ार के आसपास, ठीक है, ठीक है, ओके। ये साइंस वालों के लिए है, यानी जो एमएससी बच्चे हैं उनको मिलेगा, ठीक है। मूना देवी, मूना देवी जो है सोशल वालों के लिए मिलता है, ठीक है। ब्रजनाथ जो है ये सोशल वालों के लिए मिलता है। इसमें ध्यान देना ना कि इसमें जो यूजी बच्चे होंगे ना वो भी इसमें जाएंगे, और पीजी बच्चे जो होंगे किसी किसी में मिलकर रहेंगे, किसी की कोई कोई हॉस्टल ओनली यूज, जैसे बिरला ए है ओनली यूजी के लिए है, लेकिन वही एलबीएस में मिक्स हो जाते हैं, इसी तरीके से बनाया गया है ये। वो आप आओगे ना, देखो आना जरूरत नहीं है, जो आपका पोर्टल और लोकेशन आएगा ना तो वहां पे खुद ही शो करेगा कि ये हॉस्टल मुझे मिलेगा, ठीक है, ओके। राजा राम मोहन राय है, सोशल साइंस वालों के मिलता है। एसबीडीवी, ध्यान देना एसबीडीवी के बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चे वो है ना वो ये एसबीडीवी के संस्कृत वाले बच्चे, वेद वाले, ज्योतिष वाले, उनके लिए रुइया हॉस्टल मिलता है, ठीक है, संस्कृत ब्लॉक मिलता है, ठीक है। राम किंकर हॉस्टल जो है ये विजुअल आर्ट्स के लिए है, विजुअल आर्ट वालों के लिए, ध्यान देना। अब यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल शुरू हो जाता है, ठीक है। लड़कियों के लिए जो फीस रखी गई वो कितनी रखी गई, कौन कौन से हॉस्टल है? रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्टल है ये, एग्रीकल्चर वालों को मिलता है 5,375 रुपए, ठीक है, 5,375 रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारतेंदु बहुत ही ज्यादा फेमस है लड़कियों के लिए, ये जस्ट लॉ वालों के बाजू में ही है, इसी एमपी थिएटर के बगल में ही है। यही हॉस्टल है जो कि पूरी लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल से अलग है, अकेले में है ये, ठीक है। ये आर्ट्स वालों के लिए मिलता है, जैसे आर्ट्स यूजी भी और आर्ट्स फैकल्टी में जो और क्लास कोर्सेज आते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो फॉरेन लैंग्वेजेस के, ठीक है, और उसके बाद भी संस्कृत के, इन सब के बच्चों को, ठीक है, एमए संस्कृत। फिर इसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल, लेडी डॉक्टर हॉस्टल, ये आईएमएस वालों के लिए, ठीक है। इतने हॉस्टल्स आईएमएस का लिए है, छोड़ दो उसको, हम लोग बाकी का आ जाते हैं। ये देखो एमएमबी के हॉस्टल्स हैं, एमएमबी में भी हॉस्टल